आइए समझते हैं कि प्रबोधन काल के बाद जो विचारक आए, विचारक ने अपने अपने क्या क्या विचार दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूसो। भैया रूसो जी, सबसे पहले कौन आया? रूसो आया। रूसो ने क्या बोला? जो रूसो को आने का टाइम है वो है 1712 से लेकर 1778, इसके बीच में रूसो था। रूसो ने जो सबसे पहली बात कही, उसने ये कहा कि मानव की स्वतंत्रता, कि मानव स्वतंत्र कैसे हो, मानव फ्री कैसे हो, उसने फ्रीडम की बात की, उसने मानव के स्वतंत्र होने की बात की। उसने देखा था कि कैसे चर्च व्यवस्था ने मानव को जकड़ के रखा है, कैसे पोप ने मानव को जितना अपने बस में करके रखा है गलत गलत बोल के, तो उसने सब कुछ देखा था। इसलिए उसने सबसे पहली बात क्या कही, मानव की स्वतंत्रता की बात की कि मानव स्वतंत्र कैसे हो, वो फ्रीडम कैसे पाए, इसकी बात की, स्वतंत्रता की बात की। इसके बाद समाजवाद की बात की। भाई रूसो का कहना था कि भाई मानव स्वतंत्र हो, मानव समाजवाद की धारणा उसमें आए, इंसान सामाजिक बने, ना कि इस चीज से बने कि उसे धर्म के धर पे उसको ढकेल दिया जाए, कर्मकांडी व्यवस्था पे चला जाए, है ना, इसकी बात कर रहे थे। और रूसो का मानना ये था कि समाज में दो तरह की असमानताएं हैं। पहला रूसो का मानना था कि सामाजिक असमानताएं हैं, और दूसरा क्या था, प्राकृतिक असमानताएं हैं। जो प्राकृतिक असमानता है उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते हो। अगर प्रकृति ने किसी दो लोगों को अलग बनाया है, किसी को छोटा किसी को बड़ा, किसी को सुंदर किसी को सुंदर नहीं बनाया, तो उसकी असमानता आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो प्रकृति की असमानता है उसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर जो समाज ने असमानता फैलाई, जो सामाजिक असमानता थी, प्राकृतिक को हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, प्राकृतिक तो ऑलरेडी रहेगी। पर जो सामाजिक असमानता थी, तो रूसो कहना था कि इसको हमें खत्म करना है, इसको हमें बढ़ने नहीं देना है। सामाजिक असमानता कि कोई धनी बहुत धनी हुआ जा रहा है, गरीब कोई बहुत गरीब हुआ जा रहा है, आप जो ये जो धन जो समाज में असमानता का स्तर आ गया था, इसको ट्रैकल करने के लिए रूसो ने बताया कि जो सामाजिक असमानता, उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। उसके लिए उसने क्या किया, उसने असमानता पे चोट किया। और दूसरी बात उसने क्या किया, इसका कारण किसको बताया, उसने कहा असमानता तभी आती है जब क्या होता है, हम भौतिक चीजों पर इतना डूब जाते हैं। अब मान लीजिए हमें हमारे पड़ोसी ने कोई कार खरीदी 10 लाख रुपए की। अब उसका पड़ोसी क्या सोचेगा कि अगर मैं कार लूँ तो मैं 10 लाख से ऊपर की लूँ, तो इससे क्या होगा कि हम अपना नहीं देखें घर में इतना पैसे हैं कि नहीं है, चाहे लोन ही लेना पड़े, पर समाज में एक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, समाज में अपना दबदबा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इंसान लोन लेके भी उससे बड़ा काम करता है। ये क्या हो गया, ये इंसान कहेंगे कि कर्जे पे दबाएगा और आप क्या करोगे, धन में, धन का केंद्रीकरण और धन में दबते चले जाओगे। इसका कहने का मतलब ये कि जो असमानता यही से फैलती है। और जो रूसो ने कहा कि जो असमानता का मेन कारण है वो है विज्ञान। जब विज्ञान धीरे डेवलप हुई, भौतिक चीजें हमारे आसपास आई, हमने क्या किया, अपनी भौतिक विलासिता के लिए, हमने अपने भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमने क्या, धन का केंद्रीकरण किया। जब धन का केंद्रीकरण किया तो उससे क्या हुआ, असमानताएं फैली, तो उससे क्या हुआ, इंसान को असुरक्षा हुई। भाई जब ज्यादा आप धन कमाओगे, जब आप ज्यादा धनी बनोगे, आपके अंदर असुरक्षा भी तो आएगी। जब धन ज्यादा होगा, असुरक्षित होगे कि कहीं हमारा धन चोरी ना हो जाए, कहीं हमें कोई डाका ना डाल ले, अगर आप बैंक भी जा रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, धन बहुत सारा आपके पास है, तो आपको डर होता है कहीं हमारा धन कोई छीन ना ले। तो रूसो का कहना ये था कि जब धन ज्यादा हुआ लोगों के पास, तो लोगों को असुरक्षा महसूस हुई। जब असुरक्षा महसूस हुई तो सुरक्षित बनने के लिए उसने क्या किया, एक राज्य का कॉन्सेप्ट लाया। तो राज को उसने अपनी गारंटी दी, राज को उसने अपना वो किया, तो राज उसकी सुरक्षा देगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो इंसान था उसको क्या, असमानताओं से दूर रहना है। और ये सब ये जो जितनी बातें, ये सब रूसो की कही गई बातें थी। ठीक है, अगला जो विचारक था उसका नाम था कांट। क्या नाम था, कांट। कांट भैया जी कब आए, ये 1724 में आए, और कब तक रहे, 1804 तक रहे कांट। कांट का कहना ये था, इन कांट का जो मेन चीज था, इनका नैतिक जीवन के बारे में ज्यादा बात था। ये नैतिक जीवन की बात करते थे कि इंसान को नैतिक होना चाहिए, इंसान को एकदम एथिकल होना चाहिए। नैतिक संकल्पना की बात कर रहे थे। ये भी मानव की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि मानव स्वतंत्र हो, मानव फ्रीडम हो, मानव अपने गरिमापूर्ण जीवन में रहे, नैतिक रहे। और इनका एक जो सबसे बड़ी चीज थी, इनका कहना ये था, ये शोषण का विरोध कर रहे थे कि जो इन्होंने देखा हुआ था ना कि कैसे चर्च व्यवस्थाओं ने, कैसे वहाँ की यूरोप की जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसने कैसे वहाँ के जो गरीब वर्ग था, जो वहाँ का मजदूर वर्ग था, व्यापारी वर्ग, कैसे उसको जकड़ा हुआ है, कैसे उसके साथ आघात कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि हम, इन्होंने शोषण का विरोध किया, शोषण के खिलाफ बहुत सारी बातें कही। इन्होंने भौतिकवाद का विरोध किया, जितना हम भौतिक विलासिता में डूबे हुए हैं, हमें हर चीज चाहिए, हम इतना भौतिक संसार में डूब जाते हैं कि हमें और चीज दिखती नहीं है। इन्होंने भौतिकवाद का भी विरोध किया और युद्धों का विरोध किया, क्योंकि देख चुके थे कितना लोग लड़ रहे थे जब वो कुछ दुनिया का पतन हुआ था उस टाइम पे, जब वहाँ जर्मनी इटली में जब वॉर हुआ था, वो सब कुछ देख चुके थे। इन्होंने युद्धों का भी बहिष्कार किया कि हाँ युद्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा इसका विरोध, और निरंकुश राज की
जो राज होना चाहिए वो निरंकुश नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो जो वहां की जनता है उसके भले के लिए काम करे, उसके सही के लिए काम करे। तो निरंकुश राज्य की संकल्पना से ये दूर थे, है ना। अब आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो था ये भाई साहब आए कब, 1689 में आए और 1755 तक रहे, है ना। मॉन्टेस्क्यू का कहना यह था, इन्होंने पहली बार मानवाधिकार की बात की। सोचिए इस समय की बात है, उस टाइम बंदा ये किसकी बात कर रहा था, मानवाधिकार की बात कर रहा था, मानव का अधिकार। जिस टाइम पे लोग मानव को मजदूर बना के काम करवा रहे थे, इंसान को दास बना रहे थे, जिस टाइम पे लोगों ने इंसानों से जबरदस्ती कर लिया, उसको परेशान किया, मारा पीटा, जो जितना भी गलत काम सब कुछ किया, उस टाइम पे ये बंदा क्या बोल रहा है, मानव अधिकार की बात कर रहा है, मानवाधिकार की बात कर रहा है कि इंसान का भी मानव अधिकार होना चाहिए। हम अगर ह्यूमन है तो एज अ ह्यूमन ट्रीट करो हमको, एज अ जानवर ट्रीट क्यों कर रहे हो भाई। तो मानवाधिकार की बात कर रहा है। और इसमें क्या क्या, और इसने पहली बार एक बात कही जो आज तक हमारे संविधान में दिखती है, इसने शक्ति के पृथक्करण की बात की। जो मॉन्टेस्क्यू से इसने क्या कहा, इसने शक्ति के पृथक्करण की बात की। इसका कहना यह था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग होनी चाहिए। पहले क्या हुआ करता, राजा हुआ करता था, राजा ही न्यायपालिका था, राजा ही कार्यपालिका था, राजा ही विधायिका था, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही उसको अप्लाई करवाएगा, और अगर किसी का कोई उसमें डिस्प्यूट है, कोई किसी का कोई विवाद है, तो राजा ही न्याय करेगा। इस तरह में न्याय कैसे हो पाए, अगर आप ही नीति बनाओगे और आप ही कोई फैसला दोगे और आपके फैसले से कोई इंसान खुश नहीं है, और अगर कोई आपके पास कोई मुकदमा लेके आता है तो आप न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी ये है कि न्याय बनाने, न्याय देने वाला इंसान अलग होना चाहिए, नीति बनाने वाला इंसान अलग होना चाहिए, और जो उसको अप्लाई कर रहा है उसको अलग होना चाहिए। तो इस इंसान ने पहली बार किसकी बात की, शक्ति के पृथक्करण की बात की। इसका कहना था कि न्यायपालिका अलग हो, कार्यपालिका अलग हो, विधायिका अलग हो। जो आज हमारे, जो हमारा भारतीय संविधान है, तो दिखता भी है कि हमारे यहाँ भी क्या है, तीनों शक्तियों का पृथक्करण साफ साफ है ना। और जब संविधान, जब वहाँ अमेरिका का संविधान बना, जब इस क्रांति के बाद जब अमेरिका आजाद होता है, अमेरिका जब अपना खुद का संविधान बनाता है, तो उसने अपने संविधान में लिखित तौर पर, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान था अमेरिका, उसने अपने संविधान में लिखित तौर पर ये चीज लिखा, उसने विधायिका अलग की, कार्यपालिका अलग की और न्यायपालिका अलग की, है ना। किसने, यूएसए ने, ये यहाँ दिखता है। फिर आता है कौन, आता है वोल्टेयर आता है। अब वोल्टेयर जो था वो 1694 में आता है, तब 1778 तक रहता है। अब इसका क्या, देखो जो वोल्टेयर था, इसी सबसे बड़ी बात, इसे धर्म पे चोट की, धर्म ईश्वर, जो धर्म का कर्म कांडी रूप चल रहा था, जो ईश्वर को लोग बना के ईश्वर के नाम पे पैसा लूट रहे थे और बहुत कुछ गलत काम कर रहे थे, इसने इस सब पे आघात किया, चोट किया धर्म और ईश्वर। इसने क्या किया, इसने ये बताया कि मनुष्य के भय का परिणाम है, ईश्वर क्या है, ईश्वर जो धर्म है, मनुष्य इतना अज्ञानी होता है, वो डर जाता है छोटी छोटी बातों पे, तो जो मनुष्य के डर का कारण था, उसका परिणाम क्या था, ईश्वर था। जब मनुष्य डरा, जब मनुष्य को भयभीत हुआ, जब उसे कुछ बहुत सारी चिंताओं पे वो आया, तो उसको धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर उसको डराया गया। तो मनुष्य के भय का क्या था, परिणाम था क्या था, ईश्वर था, ठीक है। और इसने क्या किया, और इस वोल्टेयर ने भी मानव स्वतंत्रता की बात की कि इंसान को स्वतंत्र होना चाहिए, इंसान को फ्रीडम होना चाहिए। इसने धर्म पे चोट किया, जैसे कि मैंने बताया, धर्म को इसने, जो धर्म कर्म कांडी रूप था, जो धर्म का, क्योंकि धर्म कर्म कांडी रूप पहले कभी नहीं था, ये तो बाद में चर्ची, जो बाद में आया, क्योंकि जो ओरिजिनल जब आप टेक्स्ट देखोगे तो धर्म कर्म कांड का कोई यही था कि आप इतने रुपए चढ़ावा यहाँ चढ़ाओ, आप इतना बड़ा यज्ञ करो तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप इतना बड़ा दान दो, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब बाद में चीजें जोड़ी गई हैं। तो जो धर्म का कर्म कांड रूप था उस पर क्या हुआ, इसने चोट किया। और इसने क्या कहा कि जब, देखिए जब इंसान, जब धर्म कर्म कांडी आएगा, जो मनुष्य होता है ना, वो इतना ज्यादा जब डर जाता है किसी भी चीज को लेके, तब वो ईश्वर के पास जाता है। और इसी का, इसी चीज को देखते हुए जो वहां के पादरी पोप थे, वो इंसान का क्या, शोषण कर रहे थे, क्या करते, इंसान का शोषण कर रहे थे। तो इसी से बचने के लिए इसने सारी बातें कही अपनी, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने एक बात और कही कि राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजतंत्र दो तरह का होता है ना, पहले टाइम पे क्या, राजा ही सब कुछ हुआ करता था, तो राजा अगर कह दे, तो वो एक कहावत नहीं है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोला रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है। कहने का मतलब ये है कि राजा ने जो कह दिया वही होना है, अगर राजा ने कह दिया ये काम होना है, तो चाहे वो काम सही हो चाहे गलत हो, वो काम होके ही रहेगा। ये निरंकुशता थी, एक निरंकुशता राजतंत्र था कि जो राजा कह दिया, राजा गलत कह रहा चाहे सही कह रहा, मानना पड़ता था पब्लिक को। तो ये वोल्टेयर का यही कहना था कि जो राजतंत्र है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, जैसा कि आज ब्रिटेन में दिखता है, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। ब्रिटेन में क्या है, वहां की रानी तो सबसे हेड है, सबसे सुप्रीम है, बट उसके बाद भी
रानी सिर्फ नाम मात्र की है, पूरी जो शक्तियां हैं ब्रिटेन में वो संविधान में है, वहां के जो वहां का पार्लियामेंट है उस पे संसद की सारी शक्तियां निहित है। रानी जो वहां की है वो सिर्फ और सिर्फ जो वहां का क्राउन है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है, ठीक है। तो वोल्टेयर के ही कहना था कि जो वहां का राजतंत्र हो वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, इसमें संविधान काम करे, उनका कहना ये था। फिर एक भाई साहब आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ये इन्होंने पूरा काम व्यवसाय पे किया। भाई देखिए, जब कोई देश थोड़ा सा अच्छा होगा, जब थोड़ा सा वो समृद्ध होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का व्यापारी वर्ग बढ़ेगा, वहाँ धन का ज्यादा आय होगा, वहाँ धन आएगा, धन इकट्ठा होगा, वहाँ की GDP बढ़ेगी। जब ऐसा होगा तो इसने क्या किया, एडम स्मिथ ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने व्यवसाय के स्वतंत्रता की बात की कि व्यवसाय स्वतंत्र होना चाहिए आपका, जो वहाँ का बिजनेस हो, जो वहाँ का व्यापारी वर्ग हो स्वतंत्र हो, अपना माल कहीं खा सके कहीं बेच सके, इनकी बात होने की। ये आए कब थे स्मिथ, इसमें 1723 में आए थे और 1790 तक रहे थे। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने बात की थी वो मांग और पूर्ति के नियम की बात की थी कि कैसे जो किस जो कोई देश है वो समृद्ध कैसे होता है। अगर हम मांग और पूर्ति के नियम को समझ लें, डिमांड एंड सप्लाई की, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो उसकी सप्लाई अगर आप कम कर दोगे तो ऑलरेडी उसकी मांग बढ़ जाएगी, है ना। जिस चीज की अगर ज्यादा मांग हो रही है तो अगर आप उसकी सप्लाई थोड़ा सा कम कर दोगे तो उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी, है ना। तो डिमांड और सप्लाई का जो बात था ये पूरी तरह से व्यवसाय की बात कर रहे थे। इन्होंने अपनी बुक में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी थी जिससे व्यवसाय बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये कुछ फिलोसफर थे जिन्होंने पूरी चीजों को, जिस तरह प्रबोधन काल चल रहा था तो प्रबोधन काल में उन्होंने बहुत सारे विचार दिए। अगर इनकी बातों को वहां के लोगों ने माना, यूरोप के लोगों ने, इसलिए यूरोप इतना समृद्ध हुआ और यूरोप के लोगों में बहुत सारी चेतना आई और वो नए युग में प्रवेश किए, नई जागरण आए उनमें। तो इसी के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे आगे की बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।